अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकॉन को दबाएं, और जब भी नए न्यूज़ अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। चलो अब शुरू करते हैं। नमस्कार, इंडिया न्यूज 7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकुमारी ठाकुर, और आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर पर। इटावा जीआरपी को बड़ी सफलता मिली। मुखबिर की सूचना पर पहुंचे थाना अध्यक्ष राजेश कुमार व सर्विलांस टीम ने चोरी की योजना बना रहे चार अपराधियों को रंगे हाथ पकड़ लिया है। ये ट्रेनों में जाकर लोगों के साथ चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया करते हैं, जिनके पास से सोने व चांदी की चैन, अंगूठी, पायलें व अन्य सामान भी बरामद हुआ है। जीआरपी थाना प्रभारी राजेश कुमार ने बताया कि चारों के खिलाफ पहले भी आपराधिक जगत का मामला फरुखाबाद, आगरा व अन्य कई जनपदों में भी दर्ज है, और ये लोग कई मामलों में जेल भी जा चुके हैं। इंडिया न्यूज 7 के लिए कैमरामैन राहुल के साथ विनय पाल की रिपोर्ट। नाव अंजाम कैसे दिया करते हैं? बता भाई, ये लोग किसको बोले? सामने बोलो। आपको कैसे फाड़ देते हैं बताओ? आपको किस तरह की सफलता मिली है? ये देखिए, बहुत अच्छा चोरों का गैंग है। काफी समय से ट्रेनों में चोरी की घटनाएं कायम कर रहे हैं। रात में इनको बाल गोदाम से पकड़ा गया है। इनके पास में काफ़ी सामान भी बरामद हुआ है, और इनसे पकड़ने से सही कुछ घटनाएँ नियंत्रण में रहेंगी। ये कितनी घटना को अंजाम दे चुकी अभी तक? इनके चार को बंदे ने स्वीकार किया है। और फिलहाल के लिए इंडिया न्यूज 7 में इतना ही। और भी ताज़ा खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।